हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज का जो ब्लॉग है वो है ग्रॉसरी शॉपिंग पे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं ग्रॉसरी लेने जाऊंगी, पर मैं जा नहीं पाई थी। लेकिन उसके बाद फिर आज मैं मार्केट गई और वहां से जितनी भी ग्रॉसरी मंथली जो भी होती है, ये मंथली ग्रॉसरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। और वैसे तो बहुत से लोग वीकली भी करते हैं, लेकिन हम लोग मंथली ही करते हैं। और बाकी अगर बीच में कुछ जरूरत होती है तो फिर वो लोकल मार्केट से ले आते हैं यहाँ पे। और जो भी ये सामान है तो ये हम लेके आते हैं होलसेल की शॉप से, तो वहां से हमें थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में हमें मिल जाता है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत जो भी इसमें जितनी भी सेविंग होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने किसी सामान में कितना बचाया। तो आज यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेके आए हैं, सॉरी आपको डिस्टर्ब होगा क्योंकि मैंने वहां सब्जी भी रखी है। और सबसे पहले ये है आंवला जूस। तो ये हम लोग लेके आते हैं और ये हमारा एक से डेढ़ बॉटल खत्म हो जाता है और थोड़ा बहुत जो बच जाता है तो हम फिर नेक्स्ट उसमें ले आते हैं। तो ये वाला आंवला जूस काफी अच्छा होता है और एक बार ट्राई कीजिएगा। लौकी आंवला जूस कहते हैं कि एक एज के बाद इंसान को आंवला जरूर खाना चाहिए। तो हम लोग इसे, वैसे तो आंवला खाया नहीं जाता, लेकिन ये खाने के बाद जैसे सुबह नाश्ता या दिन में लंच के बाद हम लोग दो ढक्कन इसे ले लेते हैं सुबह और शाम। और उसके बाद ये है किसान का फ्रेश टमाटो केचप। तो अभी तो मैं इसे एक ही लाई हूँ क्योंकि मेरे पास दो पाउच पहले से रखे हुए हैं, इसलिए जितनी जरूरत होती है उतना ही हम लेके आते हैं, ज्यादा ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लेके आते हैं। और ये है कॉर्नफ्लेक्स, ये बच्चों के लिए है और ये पूरा चल जाता है क्योंकि बच्चे इसे ही खाते हैं। तो ये हम जरूर लेके आते हैं और वैसे चौकोज भी लेके आते हैं, लेकिन इस बार मैं यही लेके आई हूँ और ये हर महीने ही आता है। और उसके बाद ये है मखाना, मखाने का पैकेट। और ये है बादाम का पैकेट और बाकी अभी रखे हुए भी हैं पूरा बादाम, तो चल ही जाएंगे। बादाम का यूज हमारे पास ज्यादा होता है, बाकी बादाम दो पैकेट निकल जाते हैं मंथली। लेकिन जैसे ये काजू और पिस्ता तो मेरे पास रखा हुआ है और ये काजू है तो इसका भी यूज कम ही होता है क्योंकि बच्चे कम खाते हैं इसे। और किसमिस भी एक पैकेट में हो जाता है क्योंकि ये भी ज्यादा यूज नहीं होती है। और उसके बाद ये है सूजी वाले रस हैं, ये काफी अच्छे होते हैं सूजी वाले रस, तो हम लोग यही लेके आते हैं सूजी के रस। और ये है सर्फ एक्सल, तो ये अभी मैंने एक पाउच मेरे पास रखा हुआ है और दो मैं लेके आई हूँ इस समय, और आराम से चल जाता है हमारा। और ये है पीताम्बरी, तो उसकी जरूरत भी पड़ जाती है क्योंकि कभी मंदिर के बर्तन साफ करने होते हैं तो इसलिए, या फिल्टर साफ करना होता है तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है पीताम्बरी, पीतल के और तांबे के बर्तन साफ करने के लिए। और ये है टाटा सॉल्ट, तो हम लोग यही खाते हैं। और बाकी कभी सेंधा नमक का यूज भी कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यही नमक खाते हैं। और ये है राई के पैकेट, तो दो पैकेट है। बाकी अजवाइन और जो और चीजें हैं वो मेरे पास अभी थी तो इसलिए यही खत्म हो रही थी, तो दो पैकेट इसके हैं। और बाकी कुकीज है दो पैकेट, ये लेके आई हूँ मैं। और नारियल वाले हैं, ये अच्छे होते हैं नारियल के। और बाकी ये टाइगर बिस्किट है, तो ये ज्यादा लेने में थोड़ा सा कम पड़ जाते हैं, लेने के पड़े हैं वैसे 65 पैकेट, लेकिन हमें 65 के पड़े हैं। और ये ताजा मसाला चस्का चाय है और काफी अच्छी होती है चाय भी, पहले हम लोग ताजमहल भी लेके आते थे, लेकिन अभी 3-4 महीने हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए, तो काफी अच्छी चाय है ताजा मसाला चस्का, टेस्ट तो वैसा ही आता है, अच्छी है ये चाय भी। और ये है विम बार के पैकेट और एक पैकेट मेरे पास रखा हुआ है पहले से, तो इतना लग जाता है। और बाकी ये है पफ के बिस्किट और ये मैं छोटे ही लेके आती हूँ क्योंकि बच्चे अगर बड़ा बिस्किट लेके आओ तो बच्चे खोल देते हैं उसके बाद खाते नहीं है तो फिर वो बिस्किट जो है सील जाते हैं, तो इसलिए छोटे पैकेट इसलिए सही रहते हैं कि बच्चा एक पैकेट खा ही लेता है पूरा और वेस्ट नहीं जाते हैं पैकेट, तो ये भी सही है। हमें पड़े 45 के और बाकी इसमें से बच्चों ने अभी खा लिया है क्योंकि ग्रॉसरी में ले आई थी। ये एक पैकेट इनो का है, इसकी जरूरत भी पड़ती है कभी हम लोग
इडली बनाते हैं या किसी जैसे जिसमें इनो की जरूरत होती है, ढोकला बनाया कुछ भी उसमें जरूरत होती है या कभी वैसी जरूरत पड़ जाती है इनो की। और बाकी मैं ये आलू भुजिया लेके आई थी लेकिन मेरे बच्चों ने ही खा ली है और फिर फूड क्लिप मैंने इसमें लगा दी है, इस वजह से ये खत्म हो चुकी है। और उसके बाद ये है दंतकांति का पेस्ट, तो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी टाइम हो गया हमें ये इस्तेमाल करते हुए और अच्छा पेस्ट है। तो एक पेस्ट है ये और एक पेस्ट अभी है रखा हुआ। और ये है टॉयलेट क्लीनर का पैक है, तो सैनिफ्रेश का है ये और बाय टू गेट वन फ्री है ये, तो ये भी ऑफर में अच्छा आया था ये। और ये है रिफाइंड के पैकेट, नेचर फ्रेश का है ये, तो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं और दो पैकेट रिफाइंड के है, नेचर फ्रेश का है ये, इसको मैं चेंज करके लाती हूँ, कभी मूंगफली वाला भी ले आती हूँ। और बाकी हम लोग रिफाइंड का यूज कम ही करते हैं तो, लेकिन कभी कभी लग जाता है तो इसलिए दो पैकेट लाती हूँ मैं रिफाइंड के। और ये भी नेचर फ्रेश का ही है, ये सरसों का ऑयल है, तो तीन पैकेट ये लग जाते हैं हमारे, तो तीन पैकेट में ये लेके आती हूँ। ये है ऑल आउट प्रीफिल, और जाड़ों में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन गर्मियों में मच्छरों के लिए जरूरत पड़ जाती है, वैसे तो हमारे वहाँ नहीं आते लेकिन फिर भी ले आते हैं। मैगी के पैकेट 10 रुपए वाले, ये पैकेट 10 रुपए के हैं लेकिन हम लोग होलसेल में लेते हैं तो हमें ये 9 रुपए का एक पैकेट पड़ जाता है। और 12 पैकेट हम लोग लेके आए थे और बाकी बच्चों ने खा लिए हैं जितने भी बच्चे हैं। और ये है बेसन राजधानी का, ये राजधानी का बेसन, बेसन का पैकेट भी लग जाता है, गर्मी आ गई है तो ग्लूकोन डी। और इसके साथ एक टिफिन फ्री आया है ये वाला, तो कोई वैसा ज्यादा अच्छा प्लास्टिक तो नहीं है लेकिन यूज में आ जाएगा कुछ चीज रखने के लिए। ये है टैच पे गरम मसाला और ये रेड चिली पाउडर है, और हल्दी पाउडर जो है वो हमने पिसवा के रखा है, तो 2 किलो का पाउडर है हल्दी का पाउडर, तो वो मैं बाजार से लेके नहीं आती हूँ, जो हल्दी होती है उसे पिसवा के रखते हैं। और धनिया पाउडर जो होता है वो भी साबुत लेकर के पिसवा लेते हैं हम लोग। और वैसे तो मैं गरम मसाले का भी घर पे ही बनाती हूँ लेकिन अभी मेरे पास था नहीं वाला गरम मसाला, तो मैं पैकेट ही लेके आई हूँ गरम मसाला, और जो हम घर पे बनाते हैं ज़्यादा अच्छा होता है सामान ला के, तो 2 पैकेट ही लेके आई हूँ। बाकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मेरे पास है, ये नारियल तेल है, हेयर ऑयल, ये है मसूर की दाल, तो हमारे यहाँ मसूर की दाल का यूज ज़्यादा होता है तो मसूर की दाल में लेके आई हूँ। और बाकी और दालें हैं मेरे पास रखी हुई थी, जैसे अरहर है तो 1/2 किलो मेरे पास है और 1/2 किलो मैं लेके आई हूँ। और बाकी छोले 1 किलो लग गए हैं क्योंकि छोले मेरे पास अभी थोड़ा सा बचे हुए थे, और बाकी ये 1 किलो छोले और बाकी जो और दालें हैं वो अभी सारी रखी हुई हैं, तो ज़्यादा यूज हमारे में इसी दाल का होता है, मसूर की दाल और अरहर की दाल का। और बाकी ये है जीरा, 1 डिब्बी हींग की, तो ये बड़ी डिब्बी है हींग की, मैं इसे छोटी डिब्बी में लौट देती हूँ तो उससे मतलब आइडिया आ जाता है कि मंथली कितना लग जा रहा है हींग, तो मैं उतना ही यूज करती हूँ मैं इसको। और हींग हर सब्जी में जरूरी होता है, ये 1/2 किलो अरहर की दाल है और बाकी 1/2 किलो मेरे पास रखी हुई है दाल। और ये है मेथी, तो इस और बार तो पैकेट आता है लेकिन इस बार पैकेट नहीं था तो इसलिए हम खुली हुई लेके आ गए हैं मेथी। तो ये ग्रॉसरी शॉपिंग इतनी है, अभी और सामान लेके आना है, तो जैसे मंदिर का सामान होता है तो वहां पे जो तिल का तेल होता है उसका यूज करते हैं हम, अभी वो सामान आया नहीं है, तो बत्ती, तिल का तेल और घी ये सामान अभी रह गया है। और बाकी जो आटा है वो हम लोग चक्की का यूज करते, पहले हम लोग नेचर फ्रेश का लेके आते थे लेकिन लेकिन अब जब हम चक्की का आटा हमने यूज करा तो काफी अच्छा लगा हमें, नेचर फ्रेश से भी अच्छा आटा है वो, तो वो हम 10 किलो का पैक अलग से लेके आते हैं। और बाकी जो चावल है वो चावल का हमारे वहाँ ज़्यादा यूज होता नहीं है तो मैं 10 किलो चावल लेके आती हूँ वही वाले, और अभी मेरे पास रखे हुए हैं तो इसलिए चावल लेके नहीं आई हूँ। और बाकी बासमती चावल 1-2 किलो वो भी लेके आती हूँ, तो कभी बिरयानी बनानी है या कभी पुलाव के काम आ जाता है तो वो चावल लेके आने हैं। और बाकी ये मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग इतनी है। इन सबको करने के बाद अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, तो सबसे पहले मैं दालों को डिब्बे में फिल कर दूंगी, लेकिन उससे पहले जो दालें पुरानी वाली दालें होती हैं उन्हें मैं निकाल दूंगी, और उसके बाद नई दालें रखने के बाद ऊपर से उसमें पुरानी दाल ऐड कर दूंगी, जिससे कि जो हमारी दालें हैं वो यूज में आ जाए पुरानी वाली, नहीं तो अगर हम एकदम से बाजार वाली दाल ऊपर से रख देंगे तो नीचे वाली दाल पुरानी ही रहेगी फिर, और इस तरीके से दाल ख़राब होने का डर भी रहता है। और ये दालें एकदम से डिब्बे में फिल कर देनी चाहिए क्योंकि थैली में ख़राब हो जाती हैं 1-2 दिन में ही, तो इसलिए मैं पहले सारी जितनी भी पुरानी है उन्हें सब लौट लूँगी थाली पे,
और जिससे कि नीचे गिरे ना दाल, और उसके बाद अच्छे से इनको रख दूँगी। और बाकी मेरे पास छोले बच गए थोड़ा सा, तो मैंने फूड क्लिप से पैक कर दूँगी जिससे कि ये एकदम से ख़राब ना हो। और उसके बाद पहले इन्हें ही बना लूँगी जब बनाने का टाइम आएगा। और ये इधर जीरा है, इसे भी मैं रख दूँगी, और बाकी जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं ले लूँगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि इस सारी ग्रॉसरी शॉपिंग में मैंने जितनी भी सेविंग करी है वो करी है 150 की। तो इसमें मुझे सारे सामान में कम से कम 150 रुपये का मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी होते हैं 150 रुपये, अगर छोटे छोटे एक एक दो दो रुपये भी अगर हम अपनी शॉपिंग में बचा लेते हैं तो पहले तो ये होता है कि नहीं 1 रुपये 2 रुपये से क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 1 रुपये 2 रुपये से भी बहुत कुछ होता है। तो 1-1 2-2 रुपये ही हमने इसमें बचा करके, तो 150 रुपये की इसमें बचत हुई है सारी जो भी शॉपिंग है इसमें। जैसे मैगी में और बिस्किट में तो ये होलसेल की दुकान से लेने पर हमें ये फ़ायदा हुआ है। और बाकी जो और सामान है जैसे गोल्डी का है तो जहाँ गोल्डी की एजेंसी होती है हम वहीं से लेते हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ से फ़ायदा हो जाता है। तो इसी तरह छोटी छोटी सेविंग्स करके हम अपने जो बजट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और जिससे मतलब हमें ऐसे। और बाकी कभी कभी ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा सामान भी आ जाता है तो वो मैनेज हो जाता है कि इतने पैसे में हम वो सामान लेके आ गए, तो उससे हमारे बजट में बिल्कुल भी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता। बाकी तो मंथली जो भी शॉपिंग होती है या बच्चों के खर्चे होते हैं तो उसका तो कुछ आइडिया नहीं होता है, तो कभी कभी हो जाता है वो भी। तो यही जो छोटी छोटी बचत होती है इसी से हम अपने बजट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।